नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं पिछले 18 सालों से आयुर्वेद की पद्धति में चिकित्सा कर रहा हूँ। आज कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ प्लस चैनल पे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में कुछ जिज्ञासा सी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होते हैं। जिन सवालों का वो जवाब पूछना चाहते हैं उनके उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाते। आज मैं आपके सामने इसीलिए हूँ कि जो लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, उनका सही जवाब दे सकूँ। देखिए, अगर स्पर्म काउंट ज़ीरो है, मतलब नील, अगर आपने कई बार रिपोर्ट कराई है नील ही आया है, तो उसे ये कहेंगे एजोस्पर्मिया की कंडीशन। अगर जीवन में कभी भी स्पर्म काउंट आपका ज़ीरो से ज़्यादा आया हो, चाहे 2, 4, 10, 20, मगर बाद में वो कम हो गया है, ज़ीरो हो गया, तो उसका समाधान है, उसे कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। अगर जन्म से ही कभी स्पर्म्स बने ही नहीं है, तो उसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। अगर स्पर्म्स बनने के बाद किसी कारण से अगर कम हो गए तो उसका इलाज संभव है। अगर कोई कहता है कि स्पर्म्स बढ़ जाएंगे जिनके जन्म से ही नहीं बने, वो गलत कहते हैं, वो परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, मगर आखिरी में निष्कर्ष यही निकलता है कि स्पर्म्स नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए कि ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है या एजोस्पर्मिया की कंडीशन है, मतलब जन्म से ही प्रॉब्लम है या बाद में परेशानी हुई है। अगर आप जन्म से ही आपको ये समस्या है, तो इसका इलाज संभव नहीं है। अगर किसी भी मेडिसिन के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण या कोई इंजरी के कारण अगर आपके स्पर्म काउंट कम हुए, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा कि स्पर्म्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। इन्फेक्शन के दौरान जो कम होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, या और बहुत से कारण हैं। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्पर्म्स काउंट को नील कर देती हैं। जब हम वो मेडिसिन बंद करते हैं और स्पर्म्स बढ़ाने की दवाइयों को देते हैं, तो भी नॉर्मल की तरफ स्पर्म्स काउंट जाने लगता है। मगर कोई अगर सर्जिकल प्रॉब्लम हो गई है या एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो वो मेजर इश्यूज़ होते हैं। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा कि आपकी इस परेशानी का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या है, तो अगर आप आसपास रहते हैं तो आप आके मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। अगर आप आने में असक्षम हैं या दूरी ज़्यादा है, तो आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी औषधि की ज़रूरत है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अगर आपको नहीं मिलती है, आपके आसपास नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ कोरियर की भी फैसिलिटी है, आपके घर तक हम दवाई भी पहुँचाते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से लाभ हो रहा है, या आपको लगता है कि ये जानकारी आपके सुझाव के लिए बहुत अच्छी है, या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई और सवाल है, तो वो भी आप जानकारी मांग सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई बात से आप प्रसन्न हैं या संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।